वंदे मातरम। रुक कर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, वंदय शीतलाम शश श्यामलाम, मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुभाषिनी सुमधुर भाषिनी सुखदा वरदा, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, ये था यहाँ पर बैजनाथ में एक स्कूल है जहाँ पे ये झंडा फहराया गया 26 जनवरी के उपलक्ष पर। यहाँ पर पूरा स्कूल आज बुलाया गया है और यहाँ देख रहे हैं इस समय, और यहाँ थोड़ा सा कार्यक्रम और है उसके लिए बच्चों को यहाँ पर बैठाया जा रहा है। और नीचे ही एक स्पोर्ट्स का कार्यक्रम यहाँ पर है, जो बस वॉलीबॉल का एक मैच शुरू होने वाला है वहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, तो ये था एक कार्यक्रम अभी यहाँ पर। शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास हमारा संविधान नहीं था देश को चलाने के लिए। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, आप सबने इसके बारे में पढ़ा है, तो प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारा आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो मैं कक्षा प्लस टू की छात्रा समीक्षा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो गणतंत्र दिवस के ऊपर कुछ प्रकाश डाले। समीक्षा, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, प्रधानाचार्य महोदय जी, अतिथिगण, शिक्षकगण, वो मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई बहनों,
मैं शिक्षा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे देश में गणतंत्र दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम सब भारतीय भी यहाँ गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। मेरे साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त जरूर हो गया, लेकिन देश को चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश को नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में तब एक संविधान सभा का निर्माण किया गया और संविधान बनाया गया। इसके निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अहम भूमिका रही। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। गहन विचार विमर्श, मंथन तथा कई बैठकों के बाद बनाए गए इस संविधान को देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत को लोकतांत्रिक संप्रभु गणतंत्र देश घोषित किया गया। मेरे प्यारे साथियों, गणतंत्र दिवस सिर्फ जश्न का ही नहीं बल्कि प्रकृति का जायजा लेने, उभरती चुनौतियों का देखने का दिन है। हमें आकलन करना चाहिए कि हमने क्या पाया और क्या खोया। आज़ादी मिलने के बाद हमने बहुत लंबा सफर तय किया। हाँ, आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर श्रद्धांजलि देती हूँ जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। आजादी मिलने के बाद हमने बहुत कुछ कर दिखाया है। सबसे बड़ा, हमने अपने होने को साबित किया है। अपनी बहुरंगी, बहुभाषी, सतरंगी, सांझी संस्कृति की धार को न सिर्फ कायम रखा है बल्कि उसे और गहरे अर्थ दिए हैं। विकास के नए नए सोपान चढ़े हैं, विकास देख रही है। चाहे वो चंद्रयान की कामयाबी हो या भारतीय संस्कृति के विस्तार की, मगर यह भी सच है कि आजादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, गरीबी, नक्सलवाद, आतंकवाद, अशिक्षा, लिंग भेद जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम इन समस्याओं को से बाहर नहीं निकलते, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। और जाते जाते मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी से करना चाहूंगी। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब कक्षा 7th की प्रीति आपके सामने देशभक्ति गीत के ऊपर नृत्य पेश करेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रिपब्लिक डे पे आज देशभक्ति संगीत पर एक बिटिया डांस करती हुई, देश मेरा रंगीला। और यहाँ पर खूबसूरत मौसम भी खराब होता हुआ, फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा क्लाउडी है यहाँ पर, और क्लाउड्स के साथ आप देख रहे हैं कि कुछ एक ड्रिजलिंग शुरू हो चुकी है हल्की। सामने ही बैजनाथ दिख रहा है फ्रेंड्स, बैजनाथ की धौलाधार की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले, कक्षा के छात्रों को छात्राएं।
फल मुक्त पाते हैं। आजकल जो है हमारा जो सबसे बड़ा भारत का बैंक है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चौंतड़ा में कार्यरत है और हमारे प्रधानाचार्य अजय राठौर जी और हमारे बीच हमारे वोकेशन में काम कार्यरत करते हुए श्री मेहता जी आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। मुख्य अतिथि जी आपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर हमें दिया और इस कार्यक्रम की सात सच्चा और चार चांद लगाए तो उसके लिए मोहरे में आपका धन्यवाद करता हूँ। और साथ में ही इन्होंने स्कूल के लिए ध्वजारोहण किया, हर बार ये इस कार्यक्रम में ये शिकस्त करते हैं। मोहरे आगे भी इसी तरह इन कार्यक्रमों में भाग लेते रहें ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ, क्योंकि ये स्कूल थोड़ा सा छोटा है, इसमें कार्यक्रमों का निर्माण करने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो आप बच्चों के लिए उन्होंने मिठाई के लिए अपनी नेक मायने से 2000 देने की घोषणा की है, महोदय मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस अवसर पर बच्चों आज 75th रिपब्लिक डे जो है भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, तो इसकी मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और मैं अब अपने प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आपको कुछ उद्बोधन करें। अग्नि प्रधानाचार्य
आदरणीय इस 75वीं गणतंत्र दिवस की सुबह का आगाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्वजारोहण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं श्री बलदेव जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट आने पर किया। साथ ही हमारे जो मेहता जी हैं उनका भी स्वागत है। सभी टीचर्स को भी इस गणतंत्र दिवस की बधाई। और प्यारे बच्चों, आपने जो समीक्षा के माध्यम से गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में जानकारी हासिल की, मुझे उम्मीद है कि आप उसको ध्यान में रखेंगे। आप जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। आजादी के बाद इस देश को चलाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता थी? संविधान। संविधान मतलब वो नियम जिससे कि ये देश चलेगा, और वो संविधान हमको संविधान सभा ने, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन श्री भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर संविधान हमारे लिए पेश किया। और उस संविधान की बदौलत है कि आज भारतवर्ष बहुत आगे निकल गया। हमारे साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। बहुत सारे देश हमारे साथ समकक्ष आजाद हुए, लेकिन उनकी विकास की गति इतनी ज्यादा नहीं रही जितना कि भारतवर्ष ने। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतवासियों ने संविधान को सबसे ऊपर रखकर इस देश की प्रगति के लिए जी जान लगाकर कार्य किया। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, 5वें नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। और अगर इसी तरीके से हम लोग तरक्की करते रहे मेहनत और ईमानदारी के साथ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष जो है, जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आने वाले समय में उस मुकाम को फिर से हासिल कर ले। और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होगा, किसका योगदान चाहिए? आप लोग, है कि नहीं? हमारा मतलब आपका। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में यही कहूंगा कि भारत देश हमेशा आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।